राजस्थान जिला झुंझुनू के गुड़ा गोर्ची के अंतर्गत ग्राम हुकुमपुरा में आजाद हिंद वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें प्रथम रही विजय आईबीएन स्कूल की टीम, जिसको एक ट्रॉफी व 21,000 और द्वितीय राजस्थान पुलिस को ट्रॉफी व 11,000 ग्राम हुकुमपुरा व पूर्व विधायक श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह जी, जीपीएस स्कूल के प्रधानाचार्य श्री बीपी सिंह जी और श्री राम अवतार जी और प्रधानाचार्य श्री गुगन राम जी सोहू, जिला परिषद सदस्य श्री मूलचंद खरीटा और एडवोकेट श्री जयपाल जी जाखड़ और आयोजक सरवर अली खान और अनिल साहू और सुमेर सिंह और नीलू साहू और नंदू सिंह और कैलाश शर्मा और हनुमान सिंह जी आदि लोगों द्वारा भेंट कर सम्मानित किया गया। आज उखमपुरा के ऐतिहासिक गांव में आजाद हिंद वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व विधायक ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह जी थे। अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य गुगन राम जी सोहू ने की। विशिष्ट अतिथियों में राम अवतार जी धीमा चेयरमैन शिक्षा समिति उदयपुर वाटी थे। किसान नेता मूलचंद जी खरीटा थे, जो पूर्व जिला परिषद भी थे। एडवोकेट जयपाल सिंह जी थे। लीलाधर जी मीणा थे। श्याम सुंदर जी शर्मा थे। वीरेंद्र जी सोहू, जो जीपीएस स्कूल के प्रधानाचार्य वो भी थे। आईबीएन स्कूल के प्रधानाचार्य और डायरेक्टर श्रीमान बजरंग लाल जी खेदड़ भी थे। और शानदार टीमें यहाँ आई, जिसमें एमपी, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के विविध भागों से टीमें आई। लगभग 60 टीमों ने हिस्सा लिया। शानदार मैच हुआ, जिसमें आज फाइनल मैच राजस्थान पुलिस और आईबीएन स्कूल गुड्डा गोर्जी के मध्य खेले गया। कांटे की टक्कर रही। कांटे की टक्कर में आईबीएन स्कूल गुड्डा गोर्जी ने ये मैच जीता। और मैच के रेफरी थे ओम प्रकाश जी जाखड़ साहब, रामस्वरूप जी व्याख्याता साहब, महिपाल सिंह जी मीणा साहब, विजयपाल जी और संदीप जी। इसके अलावा इस मैच की आयोजन में सरवर अली, सुमेर सिंह जी शेखावत, सरवर अली जी और इनके साथी अनिल सोहू, ये संयोजक थे। इसके अलावा अक्रम खान, मोहसिन खान, सुशील सोहू, अनिल सोहू, ये सब व्यवस्था देख रहे थे। और हमारे शकील अहमद का सबसे बड़ा योगदान रहा इस मैच में। उखमपुरा के ऐतिहासिक गांव में शानदार दान दिया। उखमपुरा एक ऐतिहासिक गांव है, ये जाबाजू की जमीन है, ये सैनिकों की जमीन है, ये शहीदों की जमीन है। इसके कण कण में सूर गाथाएं हैं। देखना पड़ेगा ये बाजू में क्या ताकत है। रोशनी का फैसला वही दिया करता है जिसमें जान होती है, और उखमपुरा गांव में जान है। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था रही जिसको देखने में शानदार लोग चारों ओर से आए। किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। और सबसे बड़ा दान अनदान होता है, जिसका दो भाइयों ने किया, भाई शीशराम जी गावड़िया साहब और उसके छोटे भाई फाइनेंस में कार्य करते हैं राजेंद्र जी गावड़िया साहब, जिन्होंने 4 दिन तक निःशुल्क अन्न जल की व्यवस्था की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा भी इसमें लीलाधर जी मीणा विशिष्ट अतिथि थे। इसके अलावा और हमारे श्याम सुंदर जी शर्मा साहब थे और प्रधानाचार्य साहब हो गए, तो नहीं विशिष्ट अतिथि हरि सिंह जी लारा साहब थे, जो कई टीमें लेके आए हैं और आपकी एक टीम को कुछ ना कुछ लेके तो गए ही है, छोड़ा नहीं उन्होंने, जीत तो इनकी रहती है। बहुत 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 धन्यवाद आपने। इसके अलावा मैच का संयोजन बहुत शानदार था। मैं संयोजन को एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते, इनके कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते, इस गाँव की सर जमीन को धन्यवाद देना चाहते, जिसमे ये शानदार मैच हुए। और सुनील मीणा, जिसने सबसे ज्यादा कमेंट्री नहीं की बल्कि क्या किया, सबसे ज्यादा वोटिंग की, उनका भी शानदार स्वागत है। सुनील मीणा और सहीराम मीणा ने घोषणा की है कि अगली बार हम यहाँ वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करेंगे, जिसमें 21,000 की बजाय 51,000 रुपए रखेंगे। इस प्रकार इस बार हमने 21 और 11,000 रुपए दिए। 21,000 ट्रॉफी विजेता, 11,000 और ट्रॉफी उप विजेता। लेकिन अगली बार सहीराम और अपने सुनील मीणा की ओर से, जो राजस्थान पुलिस में सौम्य कार्य करता है और राजस्थान पुलिस में आप सेवा दे रहे हैं, इनकी ओर से 51,000 रुपए विजेता टीम को दिए जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, गाँव का धन्यवाद, ग्राम पंचायत की जनता का धन्यवाद, आपने इतना सहयोग दिया। जय हिंद, जय भारत।